हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, पार्ट वन। काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन सो दैट यू आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोस। उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा हमारे फेसबुक ग्रुप का, काइंडली हिट द लिंक एंड ज्वाइन अस ऑन फेसबुक। लेट्स बिगिन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में? वील हैव एन इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे एसिड्स क्या होते हैं, हम फिर देखेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं एसिड्स के, किन चीज़ों के बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड वील सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स बिगिन। सबसे पहले, जैसा कि हमारा टॉपिक है, इट इज़ अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं, अगर हम वन वर्ड में जानना चाहें एसिड्स क्या हैं, तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम है तो वो एक एसिड होगा। मोरओवर, जब इन एसिड्स को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी डिटेलिंग अभी हम आगे देख सकते हैं, बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए एसिड्स क्या हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट कम्स बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? ये मेटैलिक ऑक्साइड्स या मेटैलिक हाइड्रोऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि मेटल, मेटल और उसका ऑक्साइड, या फिर मेटल और उसका हाइड्रोऑक्साइड, इनको हम बेसिस बोलते हैं। देखिए, बेसिस और बेसिस, अभी हम एनहाइड्राइड्स में नहीं पहुँचते हैं, लेट्स टॉक अबाउट बेसिस ओनली। तो हमें इसके लिए क्या याद रखना है? सिर्फ मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल के हाइड्रोऑक्साइड्स। इसके अलावा अगर नॉन मेटालिक अमोनिया भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उन कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं? बेसिस। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड मेटल का हाइड्रोऑक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोऑक्साइड, ऑल दीज थ्री आर क्लासिफाइड एज बेसिस। क्यों? इनके पास क्या है? ऑक्साइड है, हाइड्रोऑक्साइड है, या फिर एक अमोनिया का एलिमेंट है। नेक्स्ट कम सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स कुछ नहीं होते, जब एसिड्स और बेसिस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर नथिंग, दे आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इनकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे, सो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स। जैसा कि अभी हमने देखा, एसिड्स क्या हैं? जिनके पास एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, जैसे कि HCl। HCl में क्या है? एक हाइड्रोजन है। जैसे H2SO4। H2SO4 के पास क्या है? दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं वो क्या है? एसिड्स। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एसिड्स जब भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब देयर इज वाटर इन इट, तो ये क्या फर्निश करते हैं? दे फर्निश प्रोटॉन्स, दे फर्निश प्रोटॉन, दिस इज अ प्रोटॉन। और क्योंकि ये प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। लेट सपोज वी टेक एन एसिड HCl। HCl जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो हाउ विल इट रिएक्ट? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक हाइड्रोनियम आयन प्लस एक क्लोराइड का आयन। सो दिस इज अ पॉजिटिव आयन एंड दिस इज अ नेगेटिव आयन। Similarly, let's take another example of H2SO4. This is sulfuric acid. ये जब react करेगा water के साथ तो ये क्या flourish करेगा? Hydronium ion. और ये hydronium ion कहाँ से आया? H2SO4 ने H plus furnish किया, which is a proton, जो अकेला नहीं रह सकता, तो ये किसके साथ combine करेगा? Water के साथ, और ये क्या बनाएगा? Hydronium ion. और हमें क्या मिलेगा इसके साथ? We'll get a सल्फेट आयन। सो इट इज अ पॉजिटिव आयन एंड इट इज अ नेगेटिव आयन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स टेक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फ्लरिश
hydronium ion and nitrate ion. It will flourish hydronium ion and nitrate ion. ये hydronium कहाँ से आया ये हम देख चुके हैं. यहाँ का proton combine करेगा water के साथ और hydronium ion बनाएगा. तो I hope आपको acids क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा. Acids in their aqueous solution they furnish protons. ठीक है, which when combined with water molecule forms an hydronium ion. तो कोई भी acid कभी भी अपने aqueous solution में क्या furnish करता है, hydronium ion. चलिए let's move ahead. अब आते हैं हम acids के classifications पे. अलग अलग तरह के acids होते हैं और उनके अलग अलग criterias होते हैं. जैसे कि जो हमारा first classification है वो है इनकी सोर्स क्या है, यानी कि ये एसिड्स कहाँ से आ रहे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है. तो इस कैटेगरी में दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स. अब आते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स पे. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिनके साथ कार्बन होता है, जिनके साथ क्या होता है, हमेशा कार्बन होता है. देखिए एसिड है तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर उनके साथ कार्बन भी जुड़ जाता है तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स. दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. इनके एग्जांपल शायद आपने पढ़े होंगे, इट इज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव ऑक्सैलिक एसिड सी ओ ओ एच होल ट्वाइस, या फिर एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच. तो यहाँ पे हाइड्रोजन है कंबाइंड विद कार्बन, सो इट इज अ ऑर्गेनिक एसिड. देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं. वीक एसिड का मतलब ये पूरी तरह एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते हाइड्रोनियम आयंस में. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वीक एसिड्स. तो ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. नेक्स्ट होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं. दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. इसमें आपके सारे जनरल एसिड्स के एग्जांपल आ जाते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 एंड मैनी मोर. ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं क्यों, क्योंकि जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं अपने, तो ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं हाइड्रोनियम आयन में. इनमें आधा अधूरा वाला काम नहीं होता जो ऑर्गेनिक में होता है, ये पूरी तरह आयनाइज होते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं. इनऑर्गेनिक क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता, इसमें कार्बन नहीं होता, सो दे आर इनऑर्गेनिक एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सिर्फ एक ही ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जो कि कार्बन कंटेन करता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड. इट इज H2CO3. ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कार्बन है, लेकिन ये भी एक वीक एसिड है. दिस इज ऑल्सो अ वीक एसिड एंड दिस इज द ओनली एक्सेप्शन विच इज एन इनऑर्गेनिक एसिड विद कार्बन. सो दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन, तो प्लीज रिमेम्बर दिस एसिड. अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन. डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि सपोज यू हैव वाटर, और अगर आपने उसमें सॉल्ट डिजोल्व किया, आपने सॉल्ट डिजोल्व किया, ठीक है, तो अगर हम एक लीटर पानी में एक पिंच ऑफ सॉल्ट डिजोल्व करेंगे तो ये एक तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन है. डाइल्यूट क्यों है, क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द सॉल्यूट, राइट. लेकिन अगर मैं 500 ml में 1 kg सॉल्ट डिजोल्व कर दूं, 1 kg सॉल्ट डिजोल्व कर दूं, यानी कि मेरा जो कंटेंट है सॉल्यूट का वो सॉल्वेंट से बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. सो दिस विल बी अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. बट अगर हम इनको एसिड्स के टर्म में बात करें तो वॉट आर डाइल्यूट एसिड्स, जिसमें एसिड्स आर लेस एंड वाटर इज मोर. वाटर इज मोर, वाटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. अब इसका ऑपोजिट मत समझिएगा, क्योंकि कभी भी एसिड्स बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते वाटर के कंपैरिजन में, बट ये है कि इन डाइल्यूट के कंपैरिजन में जो एसिड का कंटेंट है वो उतना ही रहता है, बट वाटर का कंटेंट लेस हो जाता है, वाटर का कंटेंट लेस हो जाता है. लेट सपोज इन डाइल्यूट वी हैव से 3 units ऑफ एसिड्स एंड 7 units ऑफ वाटर. तो कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, 3 units ऑफ एसिड्स एंड
फाइव और सिक्स यूनिट ऑफ वाटर. इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड. दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड. अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ. कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, बिकॉज एसिड्स रिएक्ट वेरी रिगरसली विद वाटर. एसिड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ, इसलिए एसिड में कभी भी वाटर नहीं मिलाते, बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, जिसकी वजह से कुछ इंजरी या बर्न हो सकता है. ठीक है, इसीलिए हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं. हम हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं. वी नेवर पोर वाटर इन एसिड, वी पोर एसिड इन वाटर. अपनी कॉन्सेंट्रेशन जैसी भी हमको चाहिए, डाइल्यूट चाहिए या कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, उसके लिए क्या मेथड होता है, वी एड एसिड टू वाटर. नेक्स्ट हम देखेंगे एसिड्स को, हम और दूसरे जो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो है इनकी बेसिसिटी के ऊपर, वो है इसकी बेसिसिटी के ऊपर. बट वॉट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब क्या है? देखिए, बेसिसिटी होती है द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड. अगर एक मॉलिक्यूल किसी एसिड का है, एक मॉलिक्यूल किसी एसिड का है, तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोनियम आयंस को फर्निश करेगा. वॉट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी इज द फर्निशिंग ऑफ हाइड्रोनियम आयंस by one molecule of an acid in its aqueous solution. तो अगर वो एक हाइड्रोनियम आयन को फ्लरिश कर रहा है, इट विल बी मोनोबेसिक. अगर वो दो को कर रहा है, इट विल बी डायबेसिक. अगर वो तीन को कर रहा है, तो इट विल बी ट्राइबेसिक. तो मोनोबेसिक में हमारा एग्जाम्पल है HCl का. तो हाउ डज HCl बिहेव? HCl इन इट्स aqueous solution, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl इन इट्स aqueous solution will flourish only one hydronium ion. It will flourish only one hydronium ion. So it is a monobasic acid. Let's come to diabasic acid. Diabasic acids क्या होते हैं? जो दो hydronium ions को flourish करते हैं. इसमें आ जाते हैं आपके H2SO4, H2SO3, H2CO3. तो अभी लेकिन हम example देखते हैं H2SO4 का. H2SO4 क्या करता है? अपने aqueous solution में ये एक हाइड्रोनियम आयन को फ्लरिश करता है, प्लस साथ में HSO4 को, विच इज अ नेगेटिव रेडिकल को फ्लरिश करता है. ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये जो रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है, ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली क्या करता है, एक और हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है और फाइनली हमारे पास एक सल्फेट आयन आता है. तो देखिए, H2SO4 ने ओवरऑल कितने हाइड्रोनियम आयंस फ्लरिश करे, वन हेयर एंड वन हेयर. तो ये कंप्लीट रिएक्शन यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म होता है. तो सिंस इट हैज फ्लरिश्ड टू हाइड्रोनियम आयंस, इट इज अ डायबेसिक एसिड. इसी तरह से हमारा ट्राइबेसिक एसिड होता है. इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है वो है फॉस्फोरिक एसिड का. फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है? H3PO4 इन इट्स एक्वस सोल्यूशन विल गिव H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस H2PO4 माइनस. तीन H हैं, एक आ गए, दो बचे. अब ये H2PO4 रेडिकल फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक और हाइड्रोनियम आयन प्लस HPO4 माइनस. अभी भी एक H है जो यहाँ से अलग हो सकता है. दिस विल अगेन रिएक्ट विद वाटर, flourish one more hydronium ion and finally the phosphate ion is produced. Sorry, it will be two negative here. One negative, two negative and finally the three negative phosphate ion. तो phosphoric acid ने कितने hydronium ions produce किए? 1, 2 and 3. इसीलिए ये क्या है? एक tribasic acid है. Next we come to the preparation of acids. बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्राइबेसिक के अलावा हमारे पास एक और एसिड होता है विच इज सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड विच हैज़ 4 बेसिसिटी, जिसकी बेसिसिटी क्या होती है? 4, HISIO4. इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 4. सो इट विल बी अ टेट्राबेसिक एसिड. लेट्स मूव टू द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. अब हम आते हैं कि हम एसिड्स को लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं.
तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक हाइड्रोजन गैस को अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो इट विल फॉर्म HCl, इट विल फॉर्म HCl विच इज एन एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, देयर इज नो इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट H2 को रिएक्ट करा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ। इसी तरह से H2 कैन रिएक्ट डायरेक्टली विद ब्रोमीन टू फॉर्म HBr, टू फॉर्म HBr। तो दिस वॉज द मेथड ऑफ डायरेक्ट सिंथेसिस, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन से हम कैसे एसिड को बना रहे हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा होता है एक्शन ऑफ वाटर, पानी का एक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब सल्फर एक नॉन मेटल है और ये इसका ऑक्साइड है, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, दिस विल बी 3, लेस ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस एसिड। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल, ये इसका ऑक्साइड, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म H2CO3, दिस वाज अवर एक्सेप्शनल मिनरल एसिड व्हिच वाज वीक। ये था हमारा एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अब जो तीसरा मेथड इसमें है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए ये एक तरह से इसी तरह का मेथड है जहां से हमने जिस मेथड से हमने ये जो सेकंड वाला पॉइंट देखा था, इसमें क्या होता है, इसमें हम सीधे नॉन मेटल लेते हैं। पहले हमने क्या लिया था, नॉन मेटल का ऑक्साइड, अब हम क्या लेंगे, नॉन मेटल, खाली नॉन मेटल। सो लेट्स टेक सल्फर, ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने क्या यूज किया है, वी हैव यूज दिस एसिड, तो ये क्या बना देगा, H2SO4, वॉटर विल बी रिलीज्ड प्लस नाइट्रोजन। दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ वी आर फॉर्मिंग एन एसिड। ठीक है, खाली नॉन मेटल लिया, इस नॉन मेटल का क्या करेंगे, हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, और इससे हमने क्या बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स टेक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे, और हम क्या बनाएंगे, H3PO4, दिस विल बी अवर फॉस्फोरिक एसिड, वॉटर विल बी रिलीज्ड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड, नॉन मेटल ऑक्सीडेशन एसिड। इसके बाद जो हमारा लास्ट मेथड है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराएं, तो ये सॉल्ट अपना बाइसल्फेट बनाता है, और एक एसिड फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl, और ये HCl क्या है, हमारा एसिड। तो ये भी एक मेथड है एसिड्स को प्रोड्यूस करने का। इसमें हमने क्या देखा, डायरेक्ट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का वाटर के साथ रिएक्शन, खाली मेटल्स को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं ऑन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस वॉज ऑल इन द प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो आप अपनी बुक से गो थ्रू कर सकते हैं, दे आर वेरी सार इन टेस्ट, ठीक है, दे हैव अ कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन, दे चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फ्लरिश करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला आता है, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, जब हम आगे एसिड्स पढ़ेंगे, वील स्टडी अबाउट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें भी ये इक्वेशंस आएंगी। कभी भी कोई एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी भी मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक मैग्नीशियम,
अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे HCl एसिड के साथ तो इट विल फॉर्म इट्स सॉल्ट एंड हमेशा हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। तो ये हमें याद रखना है, एक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन, मेटल एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद बेसिस। ये तो हमने देख ही लिया, आई थिंक अब तक हमें पता ही है, एसिड्स प्लस बेसिस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, लेट्स टेक कॉपर ऑक्साइड, दिस इज अ बेस, व्हेन रिएक्ट्स विद एन एसिड H2SO4, ये अपना एक सॉल्ट बनाएगा विच विल बी CuSO4 एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर एंड CO2। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट्स टेक अ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो ये क्या बनाएगा, ये एक सॉल्ट बनाएगा CaCl2 वाटर एंड CO2 विल बी रिलीज्ड। इसी तरह से अगर हम एक बाइकार्बोनेट लेते हैं, लेट्स टेक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड CO2 विल बी रिलीज्ड। आपको बस याद रखना है कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स CO2 रिलीज हो रही है। नेक्स्ट कम्स रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फाइड बाइसल्फाइड दोनों में, सल्फाइड बाइसल्फाइड इसमें क्या रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। जिस तरह कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड थी, सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैल्शियम सल्फाइड व्हेन रिएक्ट्स विद एन एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड। लेट्स टेक अ बाइसल्फाइड, लेट्स टेक सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्टिंग विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड। अगर ये रिएक्शन सल्फाइड के साथ है, अगर ये रिएक्शन सल्फाइड के साथ है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विल बी रिलीज्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक जिंक सल्फाइड रिएक्टिंग विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2S गैस। इसमें वाटर रिलीज नहीं होता, इसमें वाटर रिलीज नहीं होता। तो अगर हम एक बार रिकैप करें, एक्टिव मेटल्स के साथ सॉल्ट हाइड्रोजन, बेसिस के साथ सॉल्ट वाटर, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड बाइसल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फाइड्स नो वाटर ओनली H2S गैसेस रिलीज्ड। अब नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट आर द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, यानी कि क्लोराइड्स जनरली डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लोराइड रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ, या जनरली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ, वो भी वार्म करने पे। तो एक हम इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक अ क्लोराइड, लेट्स टेक द सिंपल सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा डाइल्यूट के साथ क्लोराइड रिएक्ट नहीं करते हैं। लेट्स टेक द टेम्परेचर विच इज बिलो 200 डिग्री सेल्सियस हेयर, ये क्या बनाएगा अपना, ये बनाएगा अपना NaHSO4, इट विल फॉर्म अ बाइसल्फेट प्लस HCl, एंड दिस NaCl when reacts with sulfuric acid which is again concentrated at a temperature above 200 it will form sodium sulfate and HCl gas will be released. Please mind these reactions are not they are not balanced. Agar temperature kam hai bisulfate, agar temperature zyada hai to sulfate,
अगर टेम्परेचर कम है तो बाइसल्फेट और टेम्परेचर ज्यादा है तो सल्फेट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन होता है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होता है। एंड द लास्ट इन दिस इज द रिएक्शन विद नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, सो बोथ ऑफ देम दे डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, दे ओनली रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, दे ओनली रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। नाइट्रेट के साथ जो जनरल रिएक्शन हमारा रहता है वो कैसे रहता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एग्जाम में आ जाता है। लेट्स टेक अ नाइट्रेट सॉल्ट, लेट्स टेक लेड नाइट्रेट, व्हेन रिएक्ट्स विद HCl इट फॉर्म्स इट्स सॉल्ट प्लस HNO3। दिस वॉज ऑल्सो वन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एन एसिड, ठीक है। तो अब ये लेड नाइट्रेट, अभी हमने HCl के साथ देखा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लेड नाइट्रेट अगेन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म लेड सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड राइट। नाइट्रेट्स को जब हम हीट करते हैं, नाइट्रेट्स को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो वॉलेटाइल नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वॉलेटाइल का मतलब ये कि ये उड़ जाता है, ये क्या हो जाता है, ये वेपराइज हो जाता है, ये उड़ जाता है, ये रहता ही नहीं है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि हम इस मेथड से एसिड्स को नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इस मेथड से नाइट्रेट के साथ एसिड का जो रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रिक एसिड या कंसेक्यूटिव जो भी एसिड बनता है वो इतना वॉलेटाइल होता है कि वो उड़ जाता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बेसिस, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन देयर क्लासिफिकेशंस, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, सो स्टे ट्यून्ड।